ओके देखिए, लास्ट क्लास मैंने आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी बताई थी, बट आप उसको जा करके देख लीजिएगा जिनकी भी क्लास छूटी हो, ठीक है। और मैं आज एक उसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप जा करके देख लो। वहाँ पे लास्ट दो क्लास की वीडियो पड़ी हुई है, और लास्ट दो क्लास से ही आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था, फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रदीप। जिसके भी साथ कोई कन्फ्यूजन हो, जाकर के वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब कभी आप डेटाबेस की बात करेंगे, आप अपने सीनियर वगैरह से भी डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, और मेरा ये फेवरेट टॉपिक भी है, डेटाबेस मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, पूरा का पूरा फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन और आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट जरूर यहाँ पे होती है, तो थोड़ा सा जी, अमन अपलोड है, अपलोड है, बट आप लोग क्लास वाइज देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन तक नहीं रहेगा एक, अभी तक तो हम लोगों ने रख रखा हुआ है, लेकिन अब हट भी सकता है वहां से, तो इसलिए अभी तो एटलीस्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी का आप लोग पहले देख लीजिएगा, जिसका भी छूटा हो। चलिए देखिए, तो आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके प्रभात, हम यही उम्मीद करते हैं, सभी का फेवरेट ही हो। चलिए देखिए, बात यहाँ पे करते हैं हम लोग सब। आज प्राइम और दो टर्म यहाँ पे हैं, प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो पहले आप इनको समझ लें कि प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उसी फंक्शनल डिपेंडेंसी का ही पार्ट है, ठीक है, प्राइम एंड नॉन प्राइम। प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एक क्वेश्चन क्वेश्चन कराना है, कौन सा क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन चल रहा था क्या? क्या क्वेश्चन क्या था? चलो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था, ठीक है, मैंने बताया था वीडियो में अपलोड किया हूँ, तो मैं वहीं से देख लेता हूँ। डोंट वरी, मैं आप देख लेता हूँ क्या था। आपका लेक्चर नंबर,
देखिए क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन नहीं था वो, मैंने आपसे बताया था कि वो चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है, कि फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी जाएगी। ओके, नहीं फर्स्ट लेक्चर स्टार्टिंग का नहीं होगा, ठीक है, वो सब बना दीजिएगा पहले आप, ये करंटली टॉपिक चल रहा है उसको देख लो, ठीक है, उसके बाद जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो हम बना दिया जाएगा, देखिए। ओके, तो कल क्वेश्चन ही था, मैं बता रहा था आपको कि ये सब भी आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी जाएगी, आपको वहां पे टेबल्स नहीं डिसाइड करना है, ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी जाएगी और आप मान लेंगे जो दी गई वो सही है, अगर चेक करने को बोलेगा तब आप चेक करेंगे जो मैं कल करवाया था, ठीक है, ये बताया गया था वहां पर। चलिए प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं। आप सभी जानते हो कैंडिडेट की, इसके बारे में सभी जानते हो ना, कैंडिडेट की बारे में आप सभी जानते हो, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि कैंडिडेट की सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और मल्टीपल एट्रीब्यूट का कलेक्शन भी हो सकता है, या तो क्या होगा, सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ध्यान से समझना, और मल्टीपल कलेक्शन ऑफ, या कॉम्बिनेशन ज्यादा बोलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट ये होती है आपकी दो तो बात अलग है कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिकली रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं, तो भी मैं एट्रीब्यूट पढ़ा रहा हूं तो मैं एट्रीब्यूट पे ही फोकस कर रहा हूँ, सिंगल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग दिनेश, ठीक है। अब देखिए प्राइम की बारी अगर यहां बोले हम लोग, प्राइम की बात करें तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं एज अ डेफिनेशन, इफ द एट्रीब्यूट, इफ द एट्रीब्यूट आप यहां पे लिख लीजिएगा, इफ द एट्रीब्यूट इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, देन देन दैट एट्रीब्यूट दैट सॉरी दैट देन दैट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट, इज कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट, समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। अभी क्या है कैंडिडेट की कैसे मानेंगे वो सब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ द एट्रीब्यूट, इफ द एट्रीब्यूट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की देन देन इट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो पहले बताओ डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, कि प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होगा जो कैंडिडेट की का पार्ट होगा, और नॉन प्राइम वो होगा जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं, कैंडिडेट की क्या है, उसमें जो क्या है, जो एट्रीब्यूट आपका उसका पार्ट होगा कैंडिडेट की का, वो क्या होगा, प्राइम होगा, जो नहीं होगा तो नॉट प्राइम होगा। तो डेफिनेशन तो क्लियर होगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, किसी भी टाइप का एग्जाम्पल होगा। चलिए देखिए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी एक टेबल ले लिया, ठीक है, कंसिडर अ टेबल फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने एक टेबल यहाँ पे कंसिडर किया, कंसिडर अ टेबल,
टेबल, टेबल का नाम है रख लेता हूँ इम्प्लाई, या फिर चलो ठीक है मैं स्टूडेंट रख लेता हूँ हमेशा की तरह। और इसके अंदर मैंने बोल दिया यहाँ पे कि मैं अब ABCD लेके चलूंगा, ठीक है ABCD लेके चलूंगा मैं। स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, रोल नंबर, नेम है। एक मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, बाद में ABCD लेके चलूंगा जिससे मुझे काम करना आसान हो। फादर नेम है, जेंडर है, DOB है, और यहाँ पर कोर्स है, एड्रेस है और फोन नंबर है। तो आप ही बताइए, एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं? एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं, यस या नो? प्रदीप, क्यों नहीं हो सकती? प्राइमरी की एक होती है, प्राइमरी की एक होती है, कैंडिडेट की क्या हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको टेबल, चलो ठीक हो तो क्लियर है, हो सकती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको टेबल दी गई थी, और टेबल के साथ साथ ठीक है ये देखो आपको दी जाएंगे, मैं यही बताना चाह रहा था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है। सम FD आर गिवन, सम, सॉरी मैं थोड़ा सा कलर यहां पे चेंज कर रहा हूं, सम FD आर गिवन, FDs का मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी आर गिवन, ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये आपको दिया गया है कि ऐसा है, दे दिया गया कि यार रोल नंबर पे क्या है, नेम डिपेंड है, ये आपको ऐसे दिया गया, ठीक है। इसका मतलब इस बस मतलब समझना, नेम किस पे डिपेंड है, रोल नंबर पे डिपेंड है, और आपका यहाँ पे नेम और DOB, नेम और DOB पे कौन एक साथ कौन डिपेंड है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका कोर्स डिपेंड है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नेम और फोन पर कौन डिपेंड है, मान लेते हैं एड्रेस डिपेंड है, ठीक है। ऐसे कुछ FD आपको दी गई है, और यहाँ पे हमने फादर नेम मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लिया हमने, फादर नेम मान लिया इस तरीके से, चलिए यहाँ मान लिया फादर नेम, एड्रेस भी निकाल सकते हैं, फादर नेम भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जेंडर मान लिया था। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो चीजें हैं, ये ऐसे मान लेते हैं कि ये जो चीजें हैं ये आपको दी गई है, इसका मतलब बस आप इस तरह समझना कि आपको ये दिया गया, ठीक है, और कुछ नहीं, यहां से कुछ चेक वगैरह नहीं करना है। एंड एंड सपोज, एंड सपोज रोल नंबर, एक रोल नंबर हो गया, नेम DOB, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से कुछ टेबल बना के वैल्यू नहीं पुट करनी है आपको, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे तो आप बार बार वैल्यू ही पुट करते रह जाएंगे, बस आपको ये समझना है। मान लेते आर द कैंडिडेट की, आर द कैंडिडेट की, ये सब कुछ माना गया, ठीक है, मैं सब कुछ मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये एक टेबल थी, टेबल में इतने एट्रीब्यूट थे और उसकी कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी गई है, ठीक है, ये आपको दी गई है, ये गिवेन है, ध्यान रखना, इसके बारे में सोचना नहीं है आपको, बस इसका मतलब समझना है। कोई कहता है इसका मतलब क्या है, तो आप ये कहना, अगर मुझे रोल नंबर मिल जाए तो मैं नेम बता सकता हूँ, अगर मुझे नेम DOB दोनों मिल जाए मैं कोर्स और जेंडर दोनों बता सकता हूँ, अगर मुझे नेम फोन मिल जाए तो मैं एड्रेस फादर नेम बता सकता हूँ, ये आप इसकी मीनिंग ये समझना है आपको, ठीक है। क्योंकि FD का मतलब यही होता है कि जो दिया गया है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मैं लास्ट में ये मान लिया कि जो रोल नंबर है, नेम DOB एक साथ और नेम फोन फोन एक साथ, ये तीनों की तीनों क्या है आपकी कैंडिडेट कीज हैं। तो आप यहां से बता सकते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा और नॉन प्राइम क्या होगा, ये मुझे समझाना था, प्राइम और नॉन प्राइम, इसको नहीं समझाया तो मैं मान के चल रहा हूं यहां पे। और ये सब कुछ लिखा गया, आपको यहां कुछ समझना ही नहीं है, इसको टेबल को लिख लो, ये FD लिख लो,
और ये कंडेड की मान लिया हमने, ठीक है। तीसरे आप मैं सोचा सर कहाँ से आ रहा है, सब कहीं से नहीं आ रहा, मैंने मान लिया क्योंकि मुझे समझाना है प्राइम और नॉन प्राइम। मैंने क्या बोला था, प्राइम एट्रीब्यूट क्या, वो कौन कौन होंगे जो कैंडिडेट की के पार्ट होंगे, बताइए रोल नंबर क्या है, कैंडिडेट की का पार्ट है कि नहीं है, है। नेम भी है, डीओबी भी है और फोन भी है। देखो कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट की हैं आपके, सब में नेम मिल रहा है, डीओबी मिल रहा है, फोन मिल रहा है, रोल नंबर मिल रहा है, ये सब क्या हो गए आपके प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन प्राइम क्या है, जो इसके पार्ट नहीं है, जैसे आपका क्या हो गया यहाँ पे कोर्स हो गया, कोर्स क्या है नॉन प्राइम है। जेंडर क्या है नॉन प्राइम है। एड्रेस क्या है नॉन प्राइम है। और फादर नेम क्या है नॉन प्राइम है। ये चारों नॉन प्राइम और चार क्या है प्राइम है। समझ गए कि नहीं आप लोग, ये बताइए प्राइम और नॉन प्राइम समझ गए कि नहीं, बस ये बताओ आप यहाँ पे, इसको तो आप लिख करके बस। तो लिखना फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन जो आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब आप बता दो सभी लोग प्राइम एट्रीब्यूट, ये इक्वल टू लिखना, ये एरो लगाने का मतलब डिपेंडेंसी मत समझ लेना, ठीक है। ये कौन कौन होंगे, रोल नंबर, अब जिसको प्रॉब्लम बता देना, नेम, डीओबी और फोन, ये क्या हो गए प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। बट सर प्राइम तो एक ही होता है, प्राइम नहीं, नहीं जी प्राइमरी की एक होता है, मैं प्राइम एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं प्रदुम, नॉन प्राइम, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कोर्स हो गया, जो बचे होंगे जो उसमें से अलावा जो भी बचे होंगे सब क्या हो जाएंगे नॉन, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया और फादर नेम हो गया, ठीक है, ये सब नॉन प्राइम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया प्राइम और नॉन प्राइम क्या होते हैं। ये तो देखिए लिखने में इतना बड़ा हो रहा है ना, मैं इसीलिए अब यहाँ पे ए बी सी डी लेके चलूंगा, मैं इनको लेके नहीं चलूंगा, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लेके चला था बस। हाँ फादर नेम है विकास होसिया, फादर नेम क्या होगा नॉन प्राइम होगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, वो आपके लिए टोटली आपके लिए यहाँ पे, कि इसको आप बताएंगे, एग्जाम्पल है।